हेलो कैंडल्सकेप फैंस, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त स्लैश होस्ट एंड आज हम फिर से एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो अतरंगी एंड अनोखी तो है ही एज पर आवर प्रीवियस वीडियो, बट उसके साथ साथ काफी खतरनाक एंड एडवेंचरस भी। अब पिछली वीडियो में हमने चाइना की स्ट्रेंज चीजों के बारे में तो आपको विस्तार से बता ही दिया था, बट एक चीज रह गई थी और वो है यहाँ की खतरनाक प्लेसेस, जहां जाके ना ही आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी बट ऑल्सो ये आपकी लाइफ का मोस्ट थ्रिलिंग एडवेंचर भी साबित हो सकता है। तो चलते हैं चाइना के ब्रिलियंट माइंड्स और आर्किटेक्चर को सराहना देते हुए एक्सप्लोर करने यहाँ की मोस्ट थ्रिलिंग प्लेसेस को। बट सब्सक्राइब करे बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। पहला है जांगजियाजी ग्लास फुटपाथ। आपने नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम तो देखी ही होगी, रिमेम्बर वो ग्लास पे चलने वाला सीन जिसमें अगर आप सही क्लास पे जंप नहीं किए तो सीधा नीचे गिरोगे। अगर इसी टाइप का एक्सपीरियंस रियल लाइफ में चाहिए तो आई हैव गॉट दी परफेक्ट प्लेस फॉर यू। हाँ, नीचे नहीं गिरोगे क्योंकि इनफ सेफ्टी मेजर्स रहेंगे, बट आई एम श्योर सिमिलर फील जरूर आएंगी। इस ब्रिज को लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज इन द वर्ल्ड माना जाता है। ये ब्रिज लोकेटेड है जांगजियाजी में, जो कि हुनान प्रोविंस में स्थित है। ये ब्रिज टूरिस्ट के लिए 2016 में ओपन हुआ था एंड इसकी लेंथ अराउंड 430 मीटर्स है। सोचिए एक टिपिकल कमर्शियल एयरप्लेन की लेंथ लगभग 45 टू 50 मीटर्स होती है, तो 430 मीटर्स की लंबाई का मतलब है लगभग 9 कमर्शियल एयरप्लेन्स के बराबर। यही नहीं, ये ब्रिज ग्राउंड से 300 मीटर्स की ऊंचाई पे स्थित है, तो हाइट का फोबिया जिन जिन को है उनको तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, या मे बी जाना चाहिए अपने डर को मिटाने। दूसरा है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हॉर्स शू शेप्ड ग्लास स्काईवॉक। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में जांगजियाजी ग्लास स्काईवॉक की बात करी जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्लास स्काईवॉक है, वैसे ही चाइना में एक और ऐसा स्काईवॉक है जो हॉर्स शू शेप का है एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हॉर्स शू शेप्ड ग्लास स्काईवॉक भी है। सेंट्रल चाइना के हिनान प्रोविंस में स्थित फूसी माउंटेन ग्रैंड कैनियन में आपको देखने मिलेगा दुनिया का सबसे लंबा हॉर्स शू शेप्ड ग्लास स्काईवॉक। ये स्काईवॉक है कुछ खास क्योंकि इसका डिजाइन है एक मैसिव हॉर्सशू शेप का, जिसका ब्रिज कुछ 30 मीटर्स लंबा है एंड इसकी हाइट भी लगभग 360 मीटर्स ऊपर है ग्रैंड कैनियन फ्लोर से। तीसरे नंबर पे है जायंट स्विंग। अब इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना ही दिए हैं चाइना ने एडवेंचर के नाम पे, तो आइए अब चाइना का वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग भी देख ही लेते हैं। चाइना के चोंगकिंग शहर में स्थित युनयांग लॉन्गयांग नेशनल पार्क में बनाया गया है ये जायंट स्विंग यानी कि झूला। ये स्विंग यहाँ मौजूद क्लिफ जो कि 2300 फुट टॉल है उसके एंड्स पे बनाया गया है। इनफैक्ट इसका ऊपर का आर्क 328 फीट लंबा है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू अ 30 स्टोरी टॉल बिल्डिंग। और 2020 के आर्टिकल के अनुसार एक वर्कर ने बताया था कि इसके लॉन्च के बाद से किसी ने भी इतनी ब्रेवरी नहीं दिखाई कि इस झूले पे बैठ सके, बट फिलहाल ये झूला अच्छी खासी फंक्शनिंग पे है और हर साल कई टूरिस्ट इसको ट्राई भी करते हैं। तो आप कब ट्राई करने वाले हो इस जायंट स्विंग को? फोर्थ नंबर पे है गैप ब्रिज। आपने मेट्रो स्टेशन पे ये अनाउंसमेंट तो जरूर सुनी होगी, पैसेंजर्स प्लीज माइंड द गैप बिटवीन द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म। तो बस यही चीज आपको इस ब्रिज पे भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इस ब्रिज के गैप्स को कंगारू की तरह कूद कूद के कवर नहीं किया तो सीधे 500 फुट की गहराई में जा गिरोगे। ये ब्रिज चोंगकिंग शहर के वॉनशोंग ऑडिवेशन थीम पार्क की एक टूरिस्ट एक्टिविटी है। ऑल्दो ये एक्टिविटी करते टाइम आपको हार्नेस प्रोवाइड किया जाता है, बट एज पर रिपोर्ट्स 2018 में एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ये ब्रिज क्रॉस कर रहा था और उसका हार्नेस निकल गया। हालांकि हार्नेस तब निकला जब वो ऑलरेडी ब्रिज क्रॉस कर चुका था एंड इसलिए वो बच गया, बट आप अगर यहाँ जाओ तो अपना हार्नेस अच्छे से पहले चेक कर लेना और फिर ही ये एक्टिविटी ट्राई करना। अगर यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी से जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लो। फिफ्थ है द प्लैंक रोड इन द स्काई माउंट हुआशन। माउंट हुआशन एक ऐसा माउंटेन है जो चाइना के शांगसी प्रोविंस में स्थित है और एक आइकॉनिक ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है। ये माउंटेन चाइना के टॉप 5 माउंटेन्स में से एक है और कल्चरली भी चाइना के लिए काफी महत्व रखता है। ये कुछ 7070 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ पे कई लोग हाइकिंग करना पसंद करते हैं, बट ये काफी चैलेंजिंग हाइक भी साबित हो सकता है एंड स्पेशली प्लैंक रोड की वजह से, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे जो वुडन प्लैंक्स हैं लोगों के चलने के लिए वो कुछ 700 सालों पहले एक टाओइस्ट प्रीस्ट के द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने इसे पत्थर से बनी कीलों के थ्रू बनाया था।
और अब लोकल गवर्नमेंट हर साल इस वुडन प्लैंक को मजबूत करती है ताकि टूरिस्ट की सेफ्टी मेंटेन रहे। बट स्टिल ऐसे रूमर्स हैं कि हर साल तकरीबन 100 लोगों की डेथ होती है जब वो यहाँ पे एक सकरे हुए रास्ते के थ्रू हुआशन टी हाउस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर पे है द गुलियांग टनल रोड इन चाइना। आपको याद है हमने एक वीडियो द मोस्ट डेडलीस्ट रोड्स इन इंडिया पे भी बनाई थी, देखा था ना आपने कितने खतरनाक और सकरे हुए रास्ते थे। चाइना में भी एक ऐसा टनल रोड है जो टॉप 10 डेडलीस्ट रोड्स में शामिल है और वो है द गुलियांग टनल रोड जो कि पास होता है टाइहांग माउंटेन्स के थ्रू जो है हेनान प्रोविंस में स्थित। यहाँ पे सिर्फ वन वे ट्रैफिक की ही जगह अवेलेबल है बिकॉज ना ही यहाँ काफी सकरे हुए रास्ते हैं बट कोई गार्ड रेल्स भी नहीं है। 1.2 किलोमीटर लंबे इस टनल रोड को एक निकनेम भी मिला है जो है द रोड दैट डज नॉट टॉलरेट एनी मिस्टेक्स बिकॉज यहाँ जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। 7th नंबर पे है स्टेयरवे टू हेवन टियानमेन माउंटेन। आपके दादा दादी हमेशा ये बोलते होंगे कि हमें तो बस स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी है और फिर हम धन्य हो जाएंगे, तो उनको बोलो अरे दादा दादी स्वर्ग की सीढ़ियां आपको यहीं पे चढ़वा देते हैं और ले जाओ उनको सीधा टियानमेन माउंटेन की तरफ। ये माउंटेन लोकेटेड है टियानमेन माउंटेन नेशनल पार्क में जो अगेन जांगजियांग सिटी में स्थित है। ये माउंटेन इतना सुंदर है कि कई ट्रैवलर्स ने इसको मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ के स्टनिंग व्यूज के साथ तमाम तरीके के एडवेंचर्स जैसे कि हेवेंस डोर एंड द 99 बेंस, वर्टिकल क्लिफ्स, द थ्रिलिंग क्लिफ हैंगिंग वॉकअवे, ग्लास स्काई वॉक एंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल कार राइड सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बट एक बात माननी पड़ेगी कि सबसे फेमस है यहाँ का स्टेयरवे टू हेवन या हेवेंस डोर। यहाँ पे दो पर्वत की चोटी के बीच एक बड़ा सा होल बना हुआ है ड्यू टू वाटर इरोजन और दूर से देखने में ये एकदम स्वर्ग का रास्ता ही लगता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्योंकि चाइनीज न्यूमरोलॉजी में 9 एक लकी नंबर होता है इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप 999 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुँचो या तो मिनी बस के थ्रू जो 99 बेंस लेके आपको यहाँ तक पहुँचा देगी। एंड लास्टली हमारी लिस्ट में आता है शिजुगुआन फ्लोटिंग ब्रिज। क्या आपको कभी पानी में ड्राइव करने का मन किया है? अगर नहीं भी किया होगा तो ये पॉइंट सुनने के बाद तो पक्के से करने वाला है क्योंकि चाइना के ह्यूबिन प्रोविंस में आपको एक ऐसा ब्रिज या रोड मिलती है जो पानी में फ्लोट करती है एंड आप इस पे ड्राइव भी कर सकते हो। इसको शिजुगुआन वाटर हाईवे या शिजुगुआन वाटर प्लैंक रोड या लॉन्ग ब्रिज ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। जैसे जैसे इसमें आप चलते हो या ड्राइव करते हो आपको सरफेस पे वाटर वेव्स फील होती हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट है और आपको उसके अंदर ही गाड़ी चलानी है ताकि ज्यादा बड़ी वेव ना आए और कोई दुर्घटना ना घटे। वैसे ऐसी रोड्स या ब्रिजेस इंडिया एंड स्पेशली दिल्ली में तो नहीं ही ला सकते वरना आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहेंगे क्योंकि यहाँ के लोग स्पीड लिमिट का मतलब कहाँ समझते हैं। खैर, ये थी चाइना की टॉप 8 डेंजरस येट एडवेंचरस ट्रैवल डेस्टिनेशंस जहाँ जाके आपके अंदर का टकेशीज कासल वाला एरा वापस से रिवाइव हो जाएगा। वैसे हम इसमें चाइना का फेमस ये बुद्धाज हैंड एंड वाइट स्टेयरवे टू हेवन जैसी साइट्स भी इंक्लूड करने वाले थे बट थोरो रिसर्च से पता चला कि ये इतनी थ्रिलिंग एंड डेंजरस है नहीं जितना आपको आपकी इंस्टाग्राम फीड पे दिखाया जाता है। इनको बस इस एंगल से शूट किया जाता है कि ये थ्रिलिंग लगती है बट एक्चुअल में इतनी होती नहीं है जितनी ये सारी प्लेसेस हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हाँ, बट अगर फोटोग्राफी करनी है तो ये दोनों जगह काफी डिसेंट है। चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक थम्स अप दे मारो, वीडियो को शेयर दे मारो और सब्सक्राइब बटन पे अपना सब्सक्राइब दे मारो। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।